हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में नीट और जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे हम फास्टेस्ट टेक्निक का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपका टाइम रिड्यूस करते हैं और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत शानदार तरीके से, मस्त तरीके से एंटरटेनमेंट करते हुए आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेने का और बिल्कुल भी उसको बोरिंग नहीं बनाने का पढ़ाई को, राइट, और बहुत इंजॉय के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मेहनत से अपने कंसेप्ट क्लियर करते करते आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट, और इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आपकी हेल्प करेगी, इतनी हेल्प करेगी कि आपको अपना फिजिक्स बहुत ही ईजी लगने लगेगा बच्चों, राइट, एंड दिस इज अमेजिंग। तो आज का एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल हमने लिया है और उसको बहुत ही शानदार ट्रिक से हम सॉल्व करने वाले हैं, एकदम फास्टेस्ट तरीके से करने वाले, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ाने वाले हैं। अगर उसका एक्चुअल कंसेप्ट देखेंगे भाई टाइम लगेगा और बहुत टाइम लग जाता है नॉर्मली, बट अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करोगे जो मैं बताऊंगा, अरे मजा आने वाला है बस, ठीक है, हियर वी गो। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन से दोस्ती कर लिया करो, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो, क्या पूछा गया उसको लिख लो, देन थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूला बिहाइंड दैट क्वेश्चन, राइट। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एंड पी एंड क्यू ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड यू, राइट। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, आपको आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया था मैंने, बट वो उसमें एंगल पूछा था, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है, मतलब डायग्राम बिल्कुल वैसा ही आप मान सकते हैं। तो स्ट्रिंग है एक एंड एरा और एक एंड यहाँ पे कोई मास लटकाया जाएगा और फिर एक एंड एरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास इसके साथ हैंग कराया गया, दिस इज एम, ठीक है, और इस एंड पे पी यू माना है, इस एंड को उसने क्यू माना है, ठीक है सर, बढ़िया है। और ये जो एंगल दे रखा है बच्चों वर्टिकल के साथ, ये थीटा दे रखा है, बढ़िया बढ़िया। ये पुल्ली ए है और ये पुल्ली आपकी बी है, दोनों फिक्स्ड पुल्ली है, वेरी क्लियरली यू कैन सी। सो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो एंड पी और क्यू है वो नीचे को मूव कर रहे हैं, मतलब ये भी नीचे को आ रहा है एंड पी, ये इसकी स्पीड भी यू है, नीचे को आ रहा है, और ये क्यू एंड है इसकी स्पीड भी यू है, ये भी नीचे को आ रहा है, सेम स्पीड है दोनों की, ध्यान देना, पी एंड क्यू एंड, मतलब ऐसे समझो यहां से भी रस्सी को पकड़ के नीचे को खींचा जा रहा है, यहां से भी दोनों सेम स्पीड के साथ नीचे को आ रहे हैं, और इसकी वजह से चूंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है यहां पे और सेम ही है, और यहां पे मिडिल से एक पॉइंट पे एक मास, यहां पे एक ब्लॉक ऑफ मास हम यहां पे हैंग कराया गया, तो अगर ये वाला एंड नीचे आएगा ये वाला एंड, तो ये ऊपर जाएगा ऑब्वियस है, ये वाला जो ब्लॉक है चूंकि ये रस्सी से यहां बंधा हुआ है तो ये ऊपर को जाएगा ऐसे, राइट, ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको बिल्कुल क्वेश्चन देख के। द मास एम मूव अपवर्ड विद ए स्पीड, और वही पूछा गया है कि बताओ इस मास का जब ये दोनों नीचे को आएंगे इस मास की स्पीड क्या होगी, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मास स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, है ना, इस दिस मास एम मान लेते हैं हम इसको, ऐसे पूछा उसने, मतलब जब ये आप इसको रस्सी को पकड़ के नीचे खींचेगे तो ये मास ऊपर जाएगा, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस मास, राइट, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो अब देखो यहां पे हम सीख रहे हैं वी फंडा टेक्निक, यानी द शॉर्टेस्ट एवर मेथड, द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यू कैन सो शॉर्ट ट्रिक एज वेल। सो ये हमने सीखने, बिफोर यू नो अप्लाइंग दिस कंसेप्ट, ये तो मैं बताऊंगा ही ना यार, बट आपको एक बार इसका कंसेप्ट भी याद दिला देता हूँ, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट वो टेक्निक यूज करनी चाहिए बच्चों, जिसका यूज करके आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको ऑब्वियसली, बट चलो कंसेप्ट भी याद दिला देता हूँ, याद दिलाना है मैंने, ठीक है, सॉल्व आपने ही करना है, हाँ ये मैंने कराना है, राइट। तो देखो अब एक अगर थोड़ा सा लॉजिक आप बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, कैसा लॉजिक सर, देखो वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी गाइज कि सर एक चीज तो क्लियर है कि ये जो मास है ये ऐसे वर्टिकल एक्सिस पे जा रहा होगा ऊपर को, इसकी स्पीड आप वी एम मान लेते हैं इस एक्सिस पे, है बहुत अच्छे से देखना भाई, हाँ सर, और जब मैं इस रस्सी को नीचे खींचूंगा तो ये रस्सी जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, लेट्स सी अभी इसकी लेंथ है एल, ये कम हो रही होगी क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे खींच रहे हैं ये मास ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ कम हो रही होगी, ये तो पक्का है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी कम हो रही होगी, देखो यहाँ से जहाँ पे स्ट्रिंग को फिक्स किया गया ना वहाँ से वहाँ तक देख लो आप, इसको स्ट्रिंग ये पुल्ली फिक्स है क्योंकि पुल्ली तो मूव नहीं करेगी, ये डिस्टेंस एक्स होगी और इस डिस्टेंस को वाई मान लो और ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लो, और यहां से यहां तक की लेंथ को मान लो आप एल। तो अगर बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करो एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन बन गया है यहां पे, जब मैं इनको दोनों को एक स्पीड से नीचे खींच रहा हूं ये ऊपर जा रहा है तो ये डिस्टेंस
ऊपर जाने से कम हो रही होगी और ये लेंथ भी कम हो रही होगी, लेकिन एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो, क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टेंट है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन गया है। तो पाइथागोरस यूज करो, देखो यहाँ पे पाइथागोरस है, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये एल चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, वाई इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाई दिस ब्लॉक, L इज द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की स्पीड दे रखी है आपकी रस्सी की VO, मतलब ये भी वेरी कर रहा है ये भी, और अगर स्पीड बनाना है वेरिएबल डिस्टेंस है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2L dL अपॉन dt आएगा, और इस ये x कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dt आ जाएगा, मतलब सर 2 से 2 ये कैंसिल कर दूंगा मैं, L dl ओवर dt मतलब डिस्टेंस ऑफ जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है टाइम, तो उसकी स्पीड u दे रखी है तो u लिख दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आ गया y इंटू, ये y डिस्टेंस थी मास की, इसकी स्पीड हमने vm मान ली है तो इसकी जगह हम vm लिख देंगे। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ है तो है नहीं, तो आपको L और Y को भी देखना पड़ेगा, और वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, L और Y देख सकते हैं आप इस ट्रायंगल से, ये cos थीटा, ये बेस 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो cos थीटा बेस यानी Y बाई L लिख सकते हैं, और उसको यहाँ पुट कर देना, Vm आ जाएगा आपका, ठीक है, Vm आ रहा है U इंटू L बाई Y, और U इंटू L बाई Y, L 1 बाई cos थीटा क्योंकि उसका रिवर्स है, तो U बाई cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एक्चुअल टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज, ना 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 पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, व्हाट इज द वी फंडा ट्रिक द फास्टेस्ट टेक्निक, कम ऑन गाइस अब आ जाओ, तरीका पता चल गया एक्चुअली कैसे करेंगे। अब ये थोड़ा फिर भी सिंपल क्वेश्चन था तो इतना टाइम लगा, और टिपिकल से आएगा वैसे तो आएगा नहीं उतना टिपिकल जेई हो रहा है उसमें, आपका नीट में बिल्कुल भी नहीं आएगा आजकल जिस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आ रहे, बट हियर वी गो, राइट। तो वी फंडा क्या बोलते हैं सर इसको करने का, देखो भाई ध्यान से देखने का, मस्त एकदम है। तो हमें पता है हम इसमें जो टेक्निक यूज करने जा रहे हैं भाई, हम इसमें टेक्निक है भाई मास लेस स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हर पॉइंट का वेलोसिटी तो सेम ही रहने वाला है, वही टेक्निक हम यूज करेंगे, मतलब यहां पे ध्यान से देखने का इस पॉइंट को। तो आपने देखा कि मैं इसको दोबारा बना रहा हूं कि इस पॉइंट पे इधर ऐसे समझो ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, राइट, और इस डायरेक्शन में वीएम है और ये एंगल थीटा है। तो हमने देखा यार ये रस्सी सेम है, मासलेस है, हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी जो यहाँ पे पी पॉइंट की है, चाहे यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे देखो रस्सी के अलोंग, तो चाहे यहाँ पे भी हो तो भी स्पीड सेम होगी, यहाँ हो तब भी स्पीड सेम होगी, मतलब इस पॉइंट की स्पीड भी यू ही होगी, इस पॉइंट की स्पीड भी बच्चों यू ही होगी, किसी एक को आप काउंट कर लो, मतलब रस्सी की लेंथ के अलोंग स्पीड हर पॉइंट की सेम होने वाली है। मतलब मैं क्या करूंगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में वो मास जाएगा ना, इसके इसको नीचे खींचने से इधर को जाएगा मास, राइट, उसका वो कंपोनेंट हम ले लेंगे जो रस्सी की लेंथ के अलोंग होगा। और हमने अभी भी मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर इस एंड की स्पीड यू है तो इसके हर पॉइंट पे, इस रस्सी के हर पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी। तो मतलब Vm का एक कंपोनेंट इसके अलोंग कौन सा आएगा, Vm cos थीटा, और अगर ये कंपोनेंट इसके अलोंग है और इस पे ऑलरेडी वेलोसिटी u है, यानी u मस्ट बी इक्वल टू Vm cos थीटा, क्योंकि हर पॉइंट की स्पीड तो सेम होनी चाहिए, ये पहले से एक पॉइंट की स्पीड u थी, एक ये आ गई, तो मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए एक सिंगल स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग। तो बस आ गया देखो डायरेक्ट Vm आ गया आपका u by cos थीटा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ये टेक्निक आपने याद रखनी है, है ना, और अमेजिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात मैंने क्या बोला भाई, ये ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब आपने कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग ले लेना है बस, ठीक है, और उस स्ट्रिंग पे जो उस अलोंग ऑलरेडी पहले से वेलोसिटी है उस कंपोनेंट के इक्वल कर देना, बात खत्म, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कंसेप्ट भी और इसके शॉर्ट ट्रिक मेथड भी, राइट, और आप अप्लाई करेंगे इस टाइप के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अमेजिंगली आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपने एग्जाम में इनको यू नो सॉल्व करके आएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं विदाउट एनी एजिटेशन विदाउट एनी एरर, राइट, कूल। बाकी आप मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई डाउट आएगा विदाउट हेजिटेशन बच्चों आप पूछ सकते हैं, उसमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बता दिया करो, उसमें बता दिया करो आपकी क्वेरीज क्या है और आपको किस तरीके के और भी क्वेश्चन चाहिए और कैसे ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही है, राइट, और भी ऑसम क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट ट्रिक। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना बहुत सारे यार सर इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो भाई बुक बना दिए, बुक आप चैनल पर जाओ विजिट करो, आपको मिल जाएगी, अमेजिंग कॉन्टेंट हमने उसमें डाला है, इस तरीके की लॉट ऑफ टेक्निक्स उसमें हमने डाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और
कभी कभी ये भी होता है कि बच्चों की फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो बेसिक कंसेप्ट को अगर आपने सीखना है और हाई कंसेप्ट तक जाना है, कंप्लीट फिजिक्स पे कमांड करनी है, तो ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे फिजिक्स के कंप्लीट फिजिक्स 11th 12th क्लास कंप्लीट फॉर जे एंड नेट एंट्रेंस 11th क्लास में 12th क्लास में ही रहकर तैयारी कर सकते हैं, और जो ड्रॉपर बच्चे उनके लिए मस्ट है बॉस, आप डिसीजन ले सकते हैं, जाओ कॉन्टेंट देखो, डिसाइड करो, और आपकी हेल्प करेंगे पर्सनल अटेंशन के साथ, हमेशा आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे बच्चों, ठीक है। बाकी आप मेहनत करते रहना और यूट्यूब पर आपको ऑसम कॉन्टेंट मिलता ही रहेगा। ओके एंड ऑल द बेस्ट।